हेलो फ्रेंड्स, मुँ अनुराधा ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आपण मैंने देखुं अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल। आज वीडियो रे आमे अनोमली स्कैन टू बा जहाँ आमे टीफा स्कैन बोली कही था तार विषय जानवा। टीफा स्कैन कौन, यह कहीं केतबाए महत्व कौन, ताहा आज यही वीडियो रे आमे जानवा। तो चलतु डेरी नक आज वीडियो को स्टार्ट करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मोर आपको अनुरोध कि जदि आप अनुराधा ओडिया टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना कि चैनल को नुआ कर देखुं चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल बटन को हिट कर ऑल ऑप्शन को चूज करनी। चैनल अपलोड होता प्रत्येक इनफॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबुठ प्रथम आपर अनोमली स्कैन टू बा जहाँ को आम टीफा स्कैन बोली साधारणतः प्रेगनेंसी पांच मास बेलू माने प्रेगनेंसी अठर सप्ताह रु कोड़े सप्ताह मध्ये करा जाए थाए। एवं एही स्कैन टी बहुत महत्वपूर्ण कारण एही स्कैन रे शिशुर शरीर विभिन्न अंग को निखुण भाव में स्टडी कराए। एवं एही स्टडी रु एटा जना पड़ी जाए कि शिशुर कौन सी क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी अच्छी कि ना, बा तार कौन सी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अच्छी कि ना, माने शिशुर जो गठन होची गठन प्रक्रिय कौन सी असुविधा हो जाए कि ना। जदि शिशुर गठन प्रक्रिया बा किसी क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी न थाए बा जेनेटिक डिसऑर्डर होबार चांस न थाए ताहले बहुत भल, किंतु जदि शिशुर गठन प्रक्रिय कौन सी भी असुविधा हो ताहले एही स्टडी रु एटा मध्य जणा जाय पारिबो कि शिशुटी एही शारीरिक विकृति सहित जीवन को काटी पारिबो कि नाही, माने ए जो विकृति टी तार शरीर रे डेवलप होउछि ताहा जीवन रो अनुकूल बा प्रतिकूल। एवं ता सहित डॉक्टर एटा मध्य निर्धारण करि पारंती कि एही विकृति को ठीक करा जाय पारिबो कि नाही। एवं जदि ठीक करा जाय पारिबो ताहले ताहा गर्भरे थिबा समय रे करा जाय पारिबो बा शिशुटी प्रसव हेबा परे करा जाय पारिबो। जदि शिशुर विकृति को गर्भरे थिबा समय रे ठीक करा जाय पारिबो ताहले डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट पई एडवाइस करि पारंती। माने टीफा स्कैन द्वारा डॉक्टर एटा निर्धारण करती कि गर्भरे थिबा समय रे शिशुर ट्रीटमेंट करा जाय पारिबो कि नाही, बा तार विकृति को ठीक करा जाय पारिबो कि नाही, बा ट्रीटमेंट रो आवश्यकता अच्छे कि ना। बेले बेले कौन हुए ना, किछ महिला तांकर फर्स्ट ट्राई सेमिस्टर एनोमली स्कैन जहाँ को आम एंटी स्कैन बोली कही था ताहा मिस कर दिखती कराई न था। जदि से ही महिला जनक एंटी स्कैन न करे थांती ताहले तांकु टीफा स्कैन करेबा निहाती जरूरी अटे। जदि आपण जानि नहांती कि एंटी स्कैन कौन, ताहले मु आपण केटी कहि रखुछि एंटी स्कैन होउछि फर्स्ट ट्राई सेमिस्टर अनोमली स्कैन। एवं एही एंटी स्कैन 11 सप्ताह रु 14 सप्ताह मध्ये करा जाय थाए। एही एंटी स्कैन रे शिशुर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी बा तार जेनेटिक डिसऑर्डर बा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मध्ये जणा जाय थाए। जदि महिला जनक तांकर प्रेगनेंसी रो 11 सप्ताह रु 14 सप्ताह मध्ये एही एंटी स्कैन करि नथांती ताहले तांकु एही पांच मास शेष बेलू बा 18 सप्ताह रु 20 सप्ताह मध्ये टीफा स्कैन टी करे नबा भल। पांच मास बेलू शिशुर अधिकांश अंग प्रत्यंग गठन सरी थाए एवं ताहा डेवलप करिया को लागी थाए। तेणु एही टीफा स्कैन माध्यम डॉक्टर शिशुर प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग को निखुण भाव में स्टडी करते। एही टीफा स्कैन रे शिशुर हेड ब्रेन चेहरा हाथ गोड़ हार्ट किडनी यूरिनरी ब्लैडर्स ए सब डिटेल्स रे स्टडी करा जाए। एवं डॉक्टर माने एटा जानिया पई चेष्टा करंती कि ए सब अंग प्रत्यंग ठीक भाव रे डेवलप करूची कि नाही एवं सेथिरे कोनोसी जन्मजात विकृति अच्छी कि नाही। एठी आपण को गोटे जिनस मन रखिया को हेबो कि कोनोसी भी अल्ट्रासाउंड बा सोनोग्राफी 100% रिजल्ट देई पारे नाही, किंतु टीफा स्कैन माध्यम रे गर्भस्थ शिशुर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी पाखापाखी 90% बा 90% पर्यंत जणा जाय पारिबो। टीफा स्कैन परे जदि डॉक्टर एटा जानिपारंती कि शिशुर किसी विकृति रही जन्म परे किसी प्रॉब्लम हो पारे ताहले से एटा डिसाइड करंती कि प्रसव समय जन कार्डियोलॉजिस्ट बा पेडियाट्रिक सर्जन को उपस्थित रहा जरूरी कि नाही। एवं टीफा स्कैन परे जदि डॉक्टर को एटा लगे कि प्रसव समय डेलीवरी समय किसी कॉम्प्लिकेशन होबार चांस अच्छी ताहले से महिला जन को एडवांस हॉस्पिटल रे प्रसव करैबार बा डेलीवरी करैबार उपदेश मध्ये दे पारे। कारण जेकोसी टर्सीयरी बा बड़ हॉस्पिटल रे प्रसव करैबा द्वारा महिला को एवं शिशु को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था जगा दे पारिबो एवं ता सहित से ही हॉस्पिटल रे पेडियाट्रिक सर्जन उपस्थित रही था। तेणु जदि डेलीवरी समय रे बा प्रसव समय रे किछि भी कॉम्प्लिकेशंस आसे ताहले एही पेडियाट्रिक सर्जन माने एहाको हैंडल कर पारिबे। एहा छोडा बेले बेले कोन होए ना, महिलांकर प्रथम शिशुर जदि किछि विकृति थाए एवं जन्मर किछु समय परे यदि शिशुटी न रहे ताहले द्वितीय प्रेगनेंसी समय रे एही टीफा स्कैन करैबाटा निहाती जरूरी। कारण टीफा स्कैन करायनाबा द्वारा एटा जणा पड़ी थाए कि पछथर भली शिशुरे कौनसी विकृति आउ थरे सृष्टि होउछि कि नाही। जदि पछथर भली सेकंड प्रेगनेंसी रे किछि विकृति सृष्टि होय थाए
ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶିଶୁର ସେହି ବିକୃତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡବଲ ମାର୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବା ଆମ୍ନିଓସେଣ୍ଟେସିସ୍ ବା ନିଡ୍ରିଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ 2 ବା ଟିଫା ସ୍କାନ୍ରେ ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯିବାଟା ଭଲ, ଏବଂ ଏହି ସ୍କାନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍କାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ଖାଇନେବା ଭଲ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ 2 ବା ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହାପି।